लॉकडाउन के दौरान गोरखनाथ स्थित जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल में शिक्षारत छात्रों के लिए स्कूल की फीस की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूल के प्रबंधक गोरख प्रसाद सिंह ने बताया कि छात्रों के फीस के लिए छात्रों के अभिभावक को जो नोटिस भेजी गई है उसमें अभिभावकों को फीस जमा करने की कोई दबाव नहीं दिया गया है। इसके अलावा अभिभावक आंशिक रूप से भी अपनी फीस जमा कर सकते हैं। स्कूल के प्रबंधक गोरख प्रसाद सिंह ने बताया कि नए सेशन में फीस की कोई वृद्धि नहीं की गई है। अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार अपने बच्चों की फीस स्कूल के काउंटर या वेबसाइट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। गोरख प्रसाद सिंह ने सभी अभिभावकों से अपील किया है कि अपने बच्चों के सेहत का विशेष ध्यान दें तथा स्कूल द्वारा दिए जाने वाले होमवर्क को समय से पूरा कराया जाए तथा बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक गोरख प्रसाद सिंह ने कहा। तो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में स्कूल भी बंद थे, पूरा देश बंद था, स्कूल बंद हो गई। तो इस समय जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके फीस के लिए क्या प्रबंधन द्वारा क्या व्यवस्था है? देखिए, जब लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ और मार्च सेशन का अंत होता है तो हम लोगों ने लॉकडाउन में स्कूल पूरा बंद कर दिया और अप्रैल आया तो अप्रैल में नए साल की फीस ली जाती है। हमारे गोरखपुर के तमाम स्कूलों ने, पूरे देश में लोगों ने फीस की मांग की। जनरली स्कूल के लोग क्वार्टरली फीस लेते हैं और वो कोशिश ये रहता कि अप्रैल के महीने में वो फीस ले लें। हम भी लेते थे लेकिन हमने लॉकडाउन में जब भारत सरकार का ये रहा तो हमने बंद किया, तो पूरा ही बंद कर दिया। हमने कोई ऑफिस नहीं खोला। कुछ गार्जियन के फ़ोन आए कि फीस कब जमा होगी, तो उन्हें बताया गया कि बताया जाएगा, अभी लॉकडाउन है, आप लोग घर पर रहिए। तो अप्रैल हमारा पूरा ऐसे बीता। मई आया, मई में भी हमने ऑफिस नहीं खोला और गार्जियन के कुछ फ़ोन आए तो उनको यही कहा गया कि हम बताएंगे आपको। तो अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, हमने फीस के लिए किसी गार्जियन से कुछ भी नहीं कहा कि आप जमा ही करो। न्यूज और उसमें आता रहा कि तमाम स्कूल मांग रहे हैं तो गार्जियन भी वो कह रहे हैं, तो फिर शासन चाहे कि एक महीने की जमा करें। यहाँ एक महीने की भी फीस हमने न मांगी और जिन्होंने कहा जमा करने के लिए, पूछा कब जमा करना, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई जाए, आप लॉकडाउन में आप अपने को व्यवस्थित रखें, सुरक्षित रखें, काम चलेगा, बताया जाएगा। तो जब जून का महीना आया, तीसरा महीना शुरू हुआ, तो हम लोगों ने मान के कि भाई हमें अपने टीचर्स की सैलरी को भी देना है, गार्जियन का भी, तो एक नोटिस हम लोगों ने 31 मई को अपनी वेबसाइट पर डाला, जिस नोटिस में हमने तरीका बताया कि अब ये तीसरा महीना, दो महीना बीत चुका है और आप फीस जमा कर सकते हैं। उसके लिए टाइम बताया गया कि स्कूल ऑफिस में आप 10 बजे से 2 बजे तक आके जमा कर सकते हैं। दूसरा बताया गया कि हम लोगों ने एक व्यवस्था कर दी है बैंक के थ्रू, आप नेट से घर से बैठे बैठे भी चाहें तो अपना लॉगिन करके जमा कर सकते हैं। और ये कहा गया कि जो हमने नोटिस दिया उसमें हमने दिया कि यदि किसी कठिनाई की प्रथम किस्त को आप अपनी सुविधा अनुसार आंशिक रूप से जमा कर सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप पूरी फीस ही जमा कर दीजिए, आंशिक रूप से जमा कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट दिया, चौथा नंबर, यदि किसी अभिभावक को आर्थिक कठिनाई है और वह शुल्क नहीं जमा कर सकता है तो विद्यालय उसे सुविधा प्रदान करता कि भविष्य में जब भी संभव हो तभी फीस जमा करें। मतलब ये कोई डेट नहीं कि आपको जमा करना है और आप एप्लीकेशन दो तब हम सेंक्शन करेंगे, तब आपको इस सुविधा मिलेगी। आप खुद इस नोटिस से, लास्ट वाले से जान लें कि जिस अभिभावक को आर्थिक कठिनाई है, जैसे मान लीजिए कोई सर ऐसी नौकरी में जिसको सैलरी मिल रही है और अगर वो जमा कर सकता है तो अगर वो जमा कर देगा तो हमें काम करने में सहूलियत होगी। लेकिन अगर कोई, हम सबके बारे में जानते नहीं, आर्थिक कठिनाई है और शुल्क नहीं जमा कर सकता है तो विद्यालय उसे सुविधा प्रदान करता है कि भविष्य में जब सम हो तभी जमा करे। मतलब इसके लिए उसे एप्लीकेशन दे के हमसे अनुमति नहीं लेनी है कि भाई ये तो हमने इसमें कहा। जनरल परंपरा हमारी जो है वो भी हम आपको बता दें, हर सालों की हम लोग जब रिजल्ट देते हैं तो फी बुकलेट दे देते हैं बच्चों को और उसमें डेट होता है कि फर्स्ट क्वार्टर का कब जमा करेंगे, सेकंड क्वार्टर का कब जमा करेंगे। तो पहला महीना जो होता है, जैसे अप्रैल है, कुछ गार्जियन अप्रैल में जमा कर देते हैं, कुछ गार्जियन करते हैं मई में जमा, तो
हम लोग मई में भी केवल फीस लेते हैं, कोई फाइन नहीं लेते हैं। जो स्पेशल बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि जो अप्रैल में कर रहा है वो भी एक क्वार्टर का कर रहा है और क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो जो अप्रैल में कर दिया और जो मई में आ रहा है तो मई में हम उसे फाइन लें यह उचित नहीं लगता है मुझे, तो मई में भी हम फाइन नहीं लेते, केवल फीस लेते हैं। जून में जो गार्जियन आता है जमा करने, तो उसके साथ हम करते हैं कि फाइन करते हैं, क्योंकि अप्रैल भी नहीं दिया, मई में नहीं दिया, एक टोकन अमाउंट कितने रुपए फाइन है जी वो लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से जून भी बीत जाता है, नया सेशन जब फिर जुलाई आता है, जुलाई में दूसरा क्वार्टर शुरू होता है, गार्जियन जमा करता है, एक डेट है 1 तारीख से 10 तारीख तक हम फीस लेते हैं। उसके बाद से फिर अगस्त आता है, अगस्त में 1 से हम उसके बाद एक ड्यूज वालों की लिस्ट बनाते हैं। हम कोई नोटिस कभी भी किसी साल अगस्त 10 अगस्त के पहले यूँ नहीं, आप समझ लीजिए 18-19 अगस्त के पहले हमने कभी नहीं भेजा है। अप्रैल में जमा किया तब भी नहीं किया, तब भी मई में किया तब भी नहीं किया, जून में किया तब भी नहीं, जुलाई में किया तब भी नहीं। जब 10 अगस्त बीत जाता है, मतलब दूसरे क्वार्टर का भी दूसरा महीना बीत जाता है, तब हम एक देखते हैं कि लोगों ने नहीं जमा किया, पहली किस्त भी नहीं जमा हुई है, तब नोटिस बनती है और पहली किस्त जिनकी नहीं जमा की उनको जाती है, दूसरी किस्त में तो अभी 1 महीना बचा हुआ है ना। तो ये होता है सर, यहाँ की व्यवस्था शुरू से ऐसी है, क्योंकि वो हमारा गार्जियन है, अगर उसे यहाँ पढ़ाना है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो जमा करेगा, या नहीं कर पा रहा है तो हम पहले महीनों में अप्रैल मई जून क्या जुलाई और अगस्त तक एक तरीके से 6 महीना बीत चुका होता, 5-6 महीना बीत चुका होता हम फीस के लिए कोई प्रेशर। उसके पीछे कई कारण है, कुछ तो लोगों का हो सकता है ट्रांसफ़र हो रहा हो, बच्चा तो भेज रहे हैं पढ़ने के लिए लेकिन वो सोच रहे हों कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा चले जाएंगे, तो ठीक है भाई 2 महीना अगर उनका बच्चा आके पढ़ लिया, इतने दिनों तक पढ़ा फीस दिया ही, तो 2 महीना बिना फीस के भी पढ़ लिया तो हमारा कोई नुकसान आखिर वो कहीं ना कहीं हमारे, तो ये हम लोगों का सिस्टम रहा है सर, वही सिस्टम अभी भी है। तो इसीलिए हमने देखिए अप्रैल और मई में नहीं, क्यों मैं समझता हूँ भारत में कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसने अप्रैल में फीस न मांगी हो। चक्कर तो यही चल रहा था, शासन को इसीलिए कहना पड़ा कि 1-1 महीने की फीस लें, क्योंकि अप्रैल में ही वो अगर कह रहे हैं तो 3 महीने की फीस लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रैल में हमने 1 महीना नहीं लिया, मांगा ही नहीं, देने वाले को हमने बिल्कुल बंद कर रखा, क्योंकि लॉकडाउन था, सुरक्षित रहना था। अभी चूँकि लॉकडाउन खुल रहा है अलग तरह, वैसे सुरक्षा नहीं है, ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन सब तो हमें भी ये लगा कि हमें कर देना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो ये मान के चल रहे थे हम जुलाई में करेंगे, इसको जुलाई में ही देंगे, इस महीने को भी किसी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ गार्जियन का भी वो था तो हम लोग लिखा, और इसमें लास्ट लाइन उन अभिभावकों के लिए जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनके लिए लास्ट लाइन थी इसमें। सर जो लास्ट लाइन बता रहे हैं आप, अभिभावक परेशान हैं, उनके कोई जोड़ नहीं दे रहा है, तो जुलाई से तो नया फिर उनका तिमाही शुरू हो जाएगा ना। हाँ, तो उस समय भी हम नहीं कहेंगे, हम बता तो रहे हैं कि हम लोग तो जनरल में अगस्त के पहले नोटिस नहीं देते हैं, और इस साल इस स्थिति में अगर वह लास्ट तक देने की स्थिति में नहीं आएंगे तो हम उनको नोटिस देने वाले नहीं, पूरे साल अगर वो फीस नहीं देने की स्थिति में रहेंगे एक नया भी, तो हम उनसे कहने के लिए, क्योंकि किसकी नौकरी छूट गई है 3 महीने वाली फीस से, पूरे साल की फीस अगर वो नहीं देने की स्थिति में रहेंगे तब भी उनका बेटा हमारे जीएन नेशनल में पढ़ेगा, हम उनको कोई नोटिस देने के लिए नहीं है, बस उनके लिए जो स्वेच्छा से जमा कर सकते हैं वो अपना जमा करें। उसमें भी हमने कह दिया कि आंशिक जमा करें, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने की भी जमा करें, आप 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं ना, आंशिक का मतलब तो कोई लिमिट नहीं ना हुई सर, टोटल आप स्वतंत्र। और लास्ट लाइन ये है कि आर्थिक परेशानी में है तो आप जमा ही नहीं कर रहे जब आपके पास होगा, इतना तो लिखना पड़ेगा ना जब होगा, अब वो जब होगा के लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगस्त में आप नहीं करेंगे तो नाम कट जाएगा। हमारा बच्चा है, हमारा गार्जियन है, अगर वो किसी परेशानी में है और उसका सम्मान हमें करना है, उसका स्वाभिमान है, हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और न उसे एप्लीकेशन की मांग करेंगे, वो अपने आप पढ़ेगा पूरा साल, अगले साल तक हमको भी पता चल जाएगा कि 10-20-100 बच्चे हैं, हो सकता है उनसे हमारी व्यक्तिगत बात हो और उसके हिसाब से हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 10-20 कोई गाइडलाइन भी आई है फीस को लेकर? कोई नहीं है हमारे पास अभी कोई गाइडलाइन, और गाइडलाइन आएगी भी तो इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब जैसे शासन ने एक चीज़ हमको सुनने में आया कि शासन ने कहा है कि फीस न बढ़ाई जाए, तो हम लोगों ने नहीं बढ़ाया, जो हमारे बुकलेट बनी थी उसमें फीस बुकलेट जो है उसमें हम लोगों ने, ये हमारी बुकलेट पहले से छपी थी, तो ये हम लोगों का ये इस साल का फीस था, ठीक है, और ये इस साल का फीस था, इसको हमने काट दिया,
और पिछले साल वाला ही इस पर चिपका दिया। इसमें भी हमने लिख दिया है कि सेम होगा, कीपिंग इन माइंड लॉकडाउन कोविड यू वेर नॉट टूल्ड समिट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये है यहाँ पर कहीं है। ये आता है बुकलेट चाहता है तो उस बुकलेट के लिए हम लोगों ने इसको काटा और ये पिछले वाला ही फोटो कापी इस पर चिपका दिया, ये बना दिया। और हमारी फीस की बुकलेट ऐसी ही हर साल जाती है, वही जाती है। हमारा प्रॉस्पेक्टस कुछ इस तरीके का होता है जो हम एडमिशन के लिए देते हैं, इस प्रॉस्पेक्टस में भी आप देख लें फीस की पूरी हमारी डिटेल रहती है। तो जब फीस हम लगा देते हैं तो हम उसको न बढ़ाते हैं न घटाते हैं, और ये एक साल का नहीं है, हमारे यहाँ इसी तरीके की प्रॉस्पेक्टस हमारे पास पूरी फाइलें हैं। ये देखिए यही प्रॉस्पेक्टस 19 का भी आपको दिखेगा, 2012 में भी इसी तरीके का दिखेगा, और पीछे जाएंगे तो यहाँ आपको ये हमारी देखिए दिखेगी 2009-10, मतलब आप शुरू से एक तरह का प्रॉस्पेक्टस, थोड़ा बहुत जो रूल्स रेगुलेशन में चेंज आता है, और सब में आप पाएंगे कि लास्ट पेपर, और पीछे जाएंगे तो और पीछे का भी मैं दिखा सकता हूँ। तो ये एक सिस्टम बनाया गया कि हमारे गार्जियन को एक तो पता रहे कि साल में उसे देना कितना है, कब देना है इसकी कोई कब पहले से भी हम नहीं लेंगे, नहीं तो अप्रैल में हम फोर्स कर देते कि गार्जियन अप्रैल में जो फीस नहीं जमा करेगा उसका नाम कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अब आप स्वतंत्र हैं, जुलाई अगस्त तक पढ़ा भी लीजिए, और आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम कैसे आपसे घर से ले नहीं सकते ना सर, इतना है हम लोगों की इतनी गाड़ी हिम्मत है। चलिए स्कूल है, शिक्षा भी दे रहे हैं आप, और बच्चे भी हैं और गार्जियन भी हैं, कि कोरोना महामारी चल रहा है तो इनको क्या अपने तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को सुरक्षित रखें, बच्चे को सुरक्षित रखें, इस समय उनको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी वो है गाइडलाइंस है, योगा करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, इनके बाद लगभग 2 या 3 घंटे सेल्फ स्टडी करें, और स्कूल से जो भी मटेरियल जा रहे हैं उनको गार्जियन अपने खुद बैठ करके अपनी देख रेख में कराएं, क्योंकि 8 तक के बच्चों को अगर गार्जियन चाहता है तो वो खुद करा सकता है। थोड़ा स्कूल का पैटर्न मिल गया, स्कूल के पैटर्न से एक ही फ़ायदा होगा कि पूरे क्लास के बच्चों को एक तरह का काम अलाट हो जाएगा, और इसको व्यक्तिगत रूप से गार्जियन भी मैक्सिमम जो घर पर बैठे हैं वो कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उन्हें याद कराएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ अवेयरनेस, सुरक्षित जीवन का रहना। एक साल अगर हम और चीज़ों में पीछे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन अगर सबका सुरक्षित रहेगा तो ये हमारी इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।